अबे यार इस टीवी को आज फिर क्या हो गया भाई साहब, ये तो चली नहीं रही। सुबह सुबह भाई दिमाग खराब हो जाता है यार। छोड़ो भाई मुझे नहीं देखनी ये टीवी, अभी जाकर भाई अपना गैराज ही खोल लेता हूँ। भाई सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता है यार। अरे यार गाइस आप सभी लोग आ गए। गाइस यार आपको पता आज सुबह भाई मैं नाश्ता कर रहा था यहाँ पर बैठकर, और यार भाई पता नहीं यार ये टीवी तो अभी चालू था और यार अचानक से भाई ये बंद हो गया। अरे यार छोड़ो भाई, अभी तो ऐसा लगता है कि भाई मुझे अभी नया टीवी खरीदना पड़ेगा, पर यार उसके लिए भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास। छोड़ो यार भाई, कुछ दिन और गैराज चला लूंगा मेरा, बाद में भाई थोड़े बहुत तो पैसे आ ही जाएंगे, फिर भाई खरीद लूंगा एक नया टीवी। और यार भाई ये सिंचन देखो अभी तक सो ही रहा है, और यार भाई मुझे लगा कि इसने अभी तक गैराज खोल भी दिया होगा। अब भाई यार एक दिन क्या मुझे लेट हो गया, ये सिंचन का बच्चा देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। अरे वो भाई सिंचन उठ जा। हेलो भाई सिंचन उठ जा। अब यार ये तो भाई कितनी गहरी नींद में सो रहा है भाई, ये तो उठ ही नहीं रहा। अब यार इसको अब कैसे उठाऊं मैं भाई साहब, क्या करूं? रुको भाई सीधा धक्का दे देता हूं, ये ऐसे नहीं मानने वाला। अरे भाई सिंचन उठ जा। अरे यार कौन उठा रहा है यार? अरे भाई सिंचन मैं, उठ जा चल फटाफट से। अरे हाँ यार बोलो फ्रेंकी भैया क्या हो गया यार? अरे चल भाई सिंचन गैराज कौन खोलेगा? भाई साहब मुझे लगा तूने गैराज खोल दिया होगा। अरे नहीं यार मैं तो सो गया था। तो भाई चल फटाफट से गैराज पे काम करना हम दोनों को। यार फ्रेंकी भाई तुम सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों हुई यार? अरे भाई सिंचन सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया यार मेरा, भाई वो टीवी चल नहीं रहा। अरे हाँ यार फ्रेंकी भाई मैं भी कल चला रहा था उसको, पर यार वो तो चल ही नहीं रहा। अरे वही तो यार भाई, सुबह सुबह ऐसे दिमाग खराब हो जाता है यार मेरा। छोड़ भाई आजा गैराज खोलेंगे। अबे भाई कलवे क्या हो गया यार? अबे भाई चौप टीवी खराब हो गया हमारा। अबे क्या भाई कलवे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि नया टीवी ले ले, पर भाई तू सुनता नहीं है। अबे भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास जो तू बोल रहा है कि जाकर भाई नया टीवी खरीद लूं मैं? अबे कितने का आता नया टीवी? अरे आता होगा कुछ 10-20 हजार का। अबे भाई तो कलवे ले लेना। अबे इतने पैसे नहीं है भाई मेरे पास, ऊपर से भाई ये गैराज का खर्चा ज्यादा हो जाता है। अच्छा ठीक है भाई, बाद में बर्गर खिला दियो मुझे। अच्छा ठीक है भाई छोड़ो यार। वैसे गाइस यार ये देखो यार, ये हमारा गैराज, और यार देखो गाइस हमारे पास कितने सारे टायर्स है, और यार यहाँ पर भाई हम लोग के पास एक बहुत बड़ा रिपेयरिंग किट भी है, और यार यहाँ पर भाई बहुत बड़े बड़े टायर्स भी रखे हुए जो कि यार ट्रक्स के, क्योंकि यार गाइस हमारे घर के सामने जो रोड है ना यहाँ से भाई बहुत सारे ट्रक गुजरते रहते हैं, तो यार बहुत सारे ट्रक वाले आते रहते हैं हमारे पास टायर बदलवाने के लिए। अरे हाँ यार गाइस उसी से हमारा घर चलता है यार। अरे हाँ भाई सिंचन तू बात तो सही कह रहा है यार। छोड़ यार कोई बात नहीं, वैसे भाई अभी तक एक बंदा नहीं आया यार। और यार यार रास्ता इतना खाली क्यों पड़ा है भाई, एक गाड़ी क्यों नहीं आ रही अभी तक? यार फ्रेंकी भैया मुझे तो लगता है यार आज सब लोगों को छुट्टी मिल गई है। अरे नहीं भाई सिंचन आज कौन सी छुट्टी, आज तो भाई थर्सडे है, संडे को छुट्टी रहती है भाई हर किसी को, तो यार आज कोई भी क्यों नहीं आ रहा यार? वो तो मुझे भी नहीं पता भाई। भाई सिंचन मुझे तो लगता है भाई आज तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। क्यों यार ऐसे क्यों बोल रहे हो फ्रेंकी भैया तुम? हाँ तो भाई सिंचन हमारे पास आज एक भी कस्टमर नहीं आया, तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास खाना लाने के? तो यार कुछ करो ना यार फ्रेंकी भैया, कहाँ से लेके आएंगे हम लोग पैसे? अब यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार, जिससे कि गाइस यार हम लोग के पास बहुत सारे पैसे आ जाए। एक काम करो गाइस यार, तुम लोग जाओ यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्या पता गाइस उससे हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए और भाई सिंचन और मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाए। तो जाओ गाइस फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अभी तो भाई थोड़ा इंतजार करते, देखते भाई कोई कस्टमर आता है तो, नहीं तो भाई आज सिंचन और मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं यार ये नोबिता के बच्चे को क्या हो गया, सुबह से मुझे 100 कॉल करके बैठा है। अभी जाकर देखता हूँ कौन सी मुसीबत में फंस गया ये नोबिता का बच्चा। एक सेकंड, ये तो ये रहा नोबिता। क्या हो गया भाई नोबिता, तूने मुझे क्यों कॉल किया? पापा पापा मेरी मदद करो। क्या हो गया नोबिता तुझे, किस चीज की मदद चाहिए तुझे? पापा ये देखो यार मैंने गलती से आपकी गाड़ी ठोक दी। क्या तूने मेरी गाड़ी ठोक दी? अबे यार बदतमीज साले तुझे दिमाग नहीं है क्या? तुझे पता भी है कितनी ज्यादा महंगी गाड़ी है? पापा वो गलती से हो गया यार, मेरे सामने से जो इंसान आ रहा था उसने मुझे कट मार के चला गया, फिर मेरी गाड़ी पेड़ से जाकर ठुक गई। अबे यार नोबिता के बच्चे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, साले तुझे दिमाग भी है, तुझे पता भी है ये गाड़ी कितनी महंगी है? अरे पापा गलती से हो गया, मारो मत पापा, प्लीज मुझे मत मारो। तुझे तो मैं मारूंगा नहीं, तुझे तो साले तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। आइंदा से याद रखना, मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया ना तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। पापा प्लीज मत मारो, पापा लग रही मुझे, पापा मत मारो, पापा लग रही है। अबे छोड़ यार, ये ले 10,000 रुपए और जाकर गाड़ी को रिपेयर करवा ला। अगर ये गाड़ी आज के आज रिपेयर नहीं हुई तो मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा फिर से। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से नहीं चलाऊंगा मैं आपकी गाड़ी। अगर तूने चलाई तो तुझे चलाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे यार पापा ने बहुत तगड़ी पिटाई कर दी मेरी, अभी जाता हूँ यार किसी मैकेनिक के पास, जाकर इस गाड़ी को फटाफट से रिपेयर करवा दूंगा। नहीं तो यार आज के आज ये गाड़ी रिपेयर नहीं हुई तो मेरे पापा फिर से मेरी पिटाई कर देंगे। ऊपर से यार कितना जोरों से मारा है मुझे मेरे पापा ने। अभी जाता हूँ यार किसी मैकेनिक के पास, पर ये मैकेनिक कहाँ मिलेगा मुझे? एक सेकेंड, ये क्या यार यहाँ पे कोई नई शॉप खुली क्या? अरे ये क्या, ये तो मैकेनिक की शॉप है। चलो यार जाता हूँ इनके पास। एक सेकेंड, ये तो मेरे दोस्त सिंचन का गैराज है क्या? अरे यार आओ आओ यार हमारे गैराज पे आओ, और यार यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ रिपेयर करके जाओ। अरे सिंचन मेरे दोस्त कैसा है तू? अरे यार नोबिता तू यहाँ पर क्या कर रहा है यार? अरे मैं तो अपनी पापा की गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए आया हूँ। क्या तेरे पापा की गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए आया तू? अरे हाँ यार ये देख यार इस गाड़ी की हालत कितनी ज्यादा बुरी हो गई है, एक काम करना यार इस गाड़ी को फटाफट से रिपेयर करवा दे। अच्छा ठीक है यार तू मेरे फ्रेंकी भैया को दिखा दे गाड़ी को। अरे हाँ भाई कौन है तू? अरे यार सिंचन के बड़े भैया, ये देखो यार ये मेरे डैड की गाड़ी है, इसको आप रिपेयर करवा सकते हो। अरे हाँ रुक जा भाई मुझे एक सेकंड, देखने दे भाई साहब इस गाड़ी के दोनों दरवाजे गायब है यार, इनका तो भाई बड़ा खर्चा आने वाला है। और यार इस गाड़ी के ऊपर भाई कितने सारे स्क्रैचेस आ गए, और यार इसका तो विंडो भी टूट गया आगे का। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार फ्रेंकी भैया, बताओ यार कितना खर्चा होगा? अबे खर्चा हो जाएगा भाई कुछ 7-8 हजार रुपए। अच्छा ठीक है यार ले लो 7 हजार रुपए और कर दो यार फटाफट से इस गाड़ी
गाड़ी को ठीक। वैसे यार कब तक हो जाएगी ये गाड़ी ठीक? अबे भाई लग जाएगा 2-3 दिन यार, एक दिन में कर दो यार, नहीं तो मेरे पापा बहुत बुरी तरीके से मारेंगे फिर मुझे। अरे भाई नोबिता पागल है क्या तू, ये गाड़ी इतनी आसानी से रिपेयर नहीं होने वाली भाई। मुझे तो लगता है भाई 1 या 2 दिन तो चला जाएगा इस गाड़ी को ठीक करने में। अरे यार फ्रैंकी भैया कुछ करो यार, मेरी मदद कर दो, नहीं तो यार मेरे पापा और मारेंगे मुझे। पहले ही सुबह से बहुत बुरी तरीके से मार खा चुका हूँ मैं। अच्छा यार ठीक है भाई, सोचता हूँ मैं करता हूँ कुछ। तू पैसे दे दे भाई पहले मुझे। अच्छा ठीक है, ये लो फ्रैंकी भैया 8,000 रुपए। अच्छा ठीक है भाई, तू भाई एक काम कर, रात को आ जाना यहाँ पे, और अगर तेरी गाड़ी रिपेयर हो जाती तो भाई ले जाना। अच्छा ठीक है फ्रैंकी भैया, मैं आता हूँ रात को, चलो बाय बाय। बाय बाय सिंचन। अरे बाय बाय नोबिता, चलो यार फटाफट से जाकर अभी एक्शन काम ही देखूंगा, मजा आएगा। अबे यार इस गाड़ी की हालत देखो भाई, कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी। छोड़ो यार भाई कोई बात नहीं, अब यार इस गाड़ी को फटाफट से रिपेयर करवा दूंगा, और यार उसके बाद में भाई इसके दोनों दरवाजे भी मंगवाने पड़ेंगे मुझे। एक सेकंड भाई, अरे गाइस यार वो देखो भाई मुर्गी। अरे यार फ्रैंकी भाई वो देखो यार मुर्गी रास्ते के ऊपर। अबे पता नहीं भाई ये मुर्गी कहाँ से आ गई। यार फ्रैंकी भाई एक काम करो यार, पकड़ो इस मुर्गी को, और यार इसको भी हम लोग पालेंगे हमारे साथ में। अबे भाई सिंचन वो तो भाग रही है, तो यार पकड़ो ना फटाफट से उसको। अबे भाई सिंचन वो तो भाग गई। अरे यार पकड़ो पकड़ो जल्दी से। अरे हाँ भाई रुक जा सिंचन पकड़ता हूँ। अबे यार ये तो हाथ में नहीं आ रही यार, ये देखो गाइस यार ये रही वो मुर्गी, और कैसे भाग रही भाई इसको देखो यार। लिटरली गाइस मैंने अपने घर के सामने पहली बार मुर्गी देखी यार। अबे यार ये तो यहाँ से कूद कर भाग गया। अबे पकड़ो इसको, ये भाग कर रही है भाई, पता नहीं भाई कहाँ चली गई। अबे यार ये तो यहीं पर थी ना अभी। अबे यार ये तो अभी मेरे सामने भाग रही थी, ये कहाँ चली गई मुर्गी। अबे यार ये क्या सीन हो रहा है मेरे साथ। अबे यार रुको, मुझे लगता है यही कहीं पर छुपी होगी वो। यार वो मुर्गी ऐसे कैसे गायब हो सकती है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको भाई झाड़ियों के अंदर ढूंढता हूँ, यही कहीं पर होनी चाहिए वो। अरे यार मैं ऐसा क्या करूँ यार जिससे कि मैं फ्रैंकलिन के बच्चे को परेशान कर सकूँ यार, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ यार, अपने कूड़े के डब्बे फेंक दूँ क्या उसके घर के सामने? नहीं यार मैंने तो इससे पहले भी बहुत बार फेंके हुए, वो बस यार आकर झगड़ा करके चला जाता है। अब यार एक काम करता हूँ, जाकर उसकी गाड़ी छुपा दूँ क्या? अबे नहीं यार उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, उसके गैराज का सामान छुपा दूँ? अबे नहीं यार चुरा ही लेता हूँ, चलो यार जाता फटाफट से। अरे यार ये क्या यार, यहाँ पर तो सिंचन है यार। अरे यार पड़ोसी अंकल क्या हो गया यार? अरे कुछ नहीं भाई सिंचन, मैं तो बस देखने आया था तुम्हारा गैराज कैसे चल रहा है। अरे हाँ यार हमारा गैराज तो एकदम बढ़िया चल रहा है यार। अरे हाँ हाँ अच्छी बात है यार, ये तो मैं काम करता हूँ, बाद में अपनी गाड़ी भी लेके आऊंगा तुम्हारे पास, उसका टायर चेंज करना है। अच्छा ठीक है अंकल, आप लेके आ जाना फटाफट से, मैं आपकी गाड़ी का टायर बदल दूंगा। क्या सिंचन तू करता है काम गैराज पे? अरे हाँ यार मैं भी करता और फ्रैंकी भैया भी करते। अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ठीक है मैं बाद में आ जाता हूँ। वैसे ये फ्रैंकलिन कहाँ चला गया? अरे यार वो तो मुर्गी पकड़ने चले गए। अबे यार ये फ्रैंकलिन का बच्चा तो मुर्गी चोरी है। अबे यार मुझे तो एक आइडिया आ रहा है, एक काम करूँ क्या, पुलिस वालों को कॉल करके बता देता हूँ कि यार वो फ्रैंकलिन का बच्चा एक छोटे बच्चे से अपने गैराज के ऊपर काम करवाता है। अबे हाँ यार ये तो बढ़िया प्लान है, रुको यार अभी जाकर फटाफट से पुलिस वाले को कॉल कर देता हूँ, बाद में मजा आएगा यार जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और बाद में होगी 10 साल की सजा। अरे यार ये फ्रैंकलिन का घर कौन सा यार जिसके सामने गैराज है? इसी कॉलोनी में था ना शर्मा जी? अरे हाँ सर इसी कॉलोनी में था, चलो थोड़ा आगे वहीं पर जाकर देखते। अच्छा ठीक है चलो देख ही लेते। अरे सर रुको 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 रुको, अरे क्या हो गया शर्मा जी? सर थोड़ा पीछे लो, मैंने कुछ देखा पीछे। अच्छा रुको यार देखते क्या हो गया तुम्हारे पास। अरे यार सर ये देखो, ये रहा वो गैराज। अच्छा ये है क्या वो गैराज? और यार सर ये देखो, ये रहा वो बच्चा जिसको वो फ्रैंकलिन का बच्चा काम करवाता है अपने गैराज पे। अच्छा ये है क्या वो बच्चा? और यार वो फ्रैंकलिन का ही दिखाई नहीं दे रहा मुझे। सर मुझे तो लगता है वो फ्रैंकलिन का बच्चा पार्टी करने चला गया होगा इस बच्चे को काम पे लगाकर। अरे हाँ शर्मा जी तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे वो बच्चे तेरा नाम क्या है? यार पुलिस वाले अंकल मेरा नाम सिंचन नोहरा यार, और यार मेरी उम्र है 5 साल। अच्छा तुम 5 साल के हो? अरे हाँ यार अंकल मैं 5 साल का हूँ। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो यार इस गाड़ी को ठीक करने के लिए कुछ सामान ढूंढ रहा था। मतलब तुम 5 साल की उम्र में इस गैराज के ऊपर काम करते हो? अरे हाँ यार अंकल। और ये गैराज किसका है? ये तो यार मेरे बड़े भैया फ्रैंकलिन का यार। मतलब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें यहाँ पर काम पे रखकर खुद घूमने चला गया? अरे नहीं यार अंकल, वो तो मुर्गी पकड़ने चले गए। अरे नहीं मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे बस अभी के अभी फ्रैंकलिन चाहिए यहाँ पर। अरे यार अंकल अभी तो मुझे भी नहीं पता यार वो कहाँ पर चले गए। अरे पता नहीं भाई वो मुर्गी कहाँ चले गए। छोड़ो भाई वो मुर्गी के चक्कर में भाई कितना दूर भाग के चला गया था मैं। एक सेकंड भाई ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं हमारे गैराज के ऊपर? अरे भाई सिंचन क्या हो गया? अरे यार फ्रैंकी भाई देखो यार ये पुलिस वाले आपको ढूंढ रहे यार। क्यों भाई क्या हो गया सर आपको? अरे तुम ही हो गया फ्रैंकलिन? अरे हाँ सर मैं ही हूँ फ्रैंकलिन। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो अपना गैराज चला रहा हूँ। अरे नहीं नहीं तुम इस बच्चे से यहाँ पे क्या करवा रहे हो? अरे सर कुछ नहीं यार, हम दोनों मिलकर भाई यहाँ पर गाड़ियाँ ठीक करते हैं। तुम दोनों या फिर ये बस बच्चा काम करता है यहाँ पे? अरे नहीं सर हम दोनों ही मिलकर करते हैं, ये तो भाई बस मेरे हाथ के नीचे काम कर देता है, बस थोड़ा बहुत कुछ सामान चाहिए होगा वो दे देता मुझे वो। मतलब तुम छोटे बच्चों से काम करवाते हो अपने गैराज के ऊपर? अरे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है समझाओ मुझे। सर यार हम दोनों अपना गुजारा करने के लिए भाई साहब इस गैराज को चलाते हैं, और यार दिन में थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो यार उनसे हम लोग खाना खा लेते। अरे नहीं यार मैंने तो बस अपने आंखों से जो भी देखा है, और यार हमारे पास जो भी कंप्लेंट आई है तुम्हारे खिलाफ उसे देखकर हम लोग को यही पता चलता है कि तुम एक छोटे बच्चे को अपने गैराज के ऊपर काम करवाते हो। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कभी इसे काम करवाया? अरे हम लोगों ने देखा ना, और तुमने अभी कहा भी कि ये मेरे हाथों के नीचे काम करता है। अरे नहीं यार पुलिस वाले भैया ऐसी कोई बात नहीं यार। अरे बच्चे मुझे पता है तू इसके डर के कारण ऐसे सब बातें कर रहा है, तू छोड़ तू डर मत, हम लोग है तेरे साथ। ओए चल फ्रैंकलिन फटाफट से पुलिस स्टेशन चल, अब तो तेरी केयर नहीं भाई साहब, तुझे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं अब। अरे सर
यार मेरी बात तो सुन लो पहले। अरे नहीं बैठो फटाफट से गाड़ी के अंदर। अबे हाँ चल बैठ फटाफट से गाड़ी के अंदर, नहीं तो डंडे मारेंगे। अरे हाँ चलो सर चलो, बताओ यार क्या करना अभी। तुम्हें तो अभी कुछ भी नहीं करना, जो करेंगे वो बस हम लोग करेंगे अभी। तुम्हें तो अभी देखो 10 या 20 साल की सजा करके रहेंगे हम लोग। हैं? अरे सर क्या पागल हो गए क्या तुम? अरे नहीं नहीं पागल नहीं, हम लोग पूरे होश में है। पागल तो अब तुम होने वाले हो। अरे यार सर कैसी बातें कर रहे हो यार। सर आप मेरी एक लास्ट भी सुनोगे? हाँ बोलो बोलो। सर यार आपको पता है मैं मेरी वीडियो के अंदर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को भाई शाउट आउट देता हूँ, तो सर यार मैं मेरे सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट दे सकता हूँ अभी के लिए? अरे हाँ दे दो फटाफट से। अरे यार थैंक यू सो मच सर। तो गाइस यार अपना पहला शाउट आउट जाता है अब्दुल भाई को, इनका बर्थडे आता है 17 सितंबर को। एंड यार गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है कार्तिक यादव भाई को, इनका बर्थडे आता है 4 अक्टूबर को। एंड यार गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता है रुद्र भाई को, इनका बर्थडे आता है 15 अगस्त को। एंड यार गाइस आप सभी को भी मेरे वीडियो के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो जाओ गाइस फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड यार कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना। तो चलो भाई अभी पुलिस स्टेशन ही जाकर देखते कि भाई ये लोग अब मेरे साथ करने के वाले। अरे तुम अभी देखो तो सही हम लोग क्या करते हैं। अरे ये क्या सर आपने तो मुझे सच्चे में जेल में डाल दिया। हाँ तो मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें जेल में डाल कर ही रहूंगा। कल देखो हम लोग तुम्हें सबसे बड़े जेल में लेके जाएंगे, वहाँ पर देखना कितने सारे गुंडे होंगे, फिर देखना वहाँ पर होगी तुम्हारी पिटाई। सर यार मुझे तो लगा था यार आप मुझसे कुछ पैसे लेकर मुझे छोड़ दोगे। क्या कहा तुमने, पुलिस को रिश्वत देना चाहते हो तुम? अरे नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है। तो अभी तुमने क्या कहा? मैं तो वो यार सर। अरे यार तुम अपना मुंह बंद रखो, दिमाग मत खराब करो। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें तो अभी 30 साल की सजा करके रहूंगा मैं। अरे यार सर मेरी बात तो सुन लो यार। नहीं नहीं मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, एक पुलिस वाले को रिश्वत दे दो तुम। अब मैं क्या करूँ यार, फ्रैंकलिन भैया को कैसे बचाऊंगा यार। फ्रैंकलिन भैया को तो यार वो पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, और यार ऊपर से मुझे ये नोबिता की गाड़ी भी ठीक करनी है। अब मैं कैसे करूंगा यार ये सब कुछ। यार कोई तो मेरी मदद करो यार, कोई तो मेरी मदद करो। गाइस यार आप एक काम करो यार प्लीज, मेरे लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। अब यार मैं जाकर फ्रैंकलिन भैया को कैसे बचाऊं? चलो एक काम करते हैं यार, जाकर लेस्टर भैया से मदद मांगता हूं। यार मुझे तो लगता है वो मेरी मदद कर सकते हैं। और यार ये हमारे पड़ोसी के बच्चों की गाड़ी लेकर जाता हूं, मुझे तो लगता है यार इसने फ्रैंकलिन भैया की कंप्लेंट की होगी। छोड़ो यार कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा यार लेस्टर भैया के पास, और क्या पता यार लेस्टर भैया मेरी मदद भी कर दे। चलो चलो लेट्स गो यार फटाफट से जाना पड़ेगा। और यार ये गाड़ी पता नहीं यार ढंग से चल भी नहीं रही। छोड़ो यार कोई बात नहीं, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। अरे यार ये आवाज कहां से आ रही यार, बचाओ मुझे ये कुत्ते मुझे काट लेंगे। अरे यार ये आवाज कहां से आ रही यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। अरे यार ये आवाज कहां से आ रही यार, अरे बच्चे बच्चे मेरी मदद कर दे यार। अरे यार अंकल आप कहां पर हो यार, बच्चे मैं पेड़ के ऊपर हूं प्लीज मेरी मदद कर दे। अरे यार कौन से पेड़ के ऊपर, अरे एक सेकंड वो देखो यार वो रहे वो अंकल। और यार वो देखो वो क्यों चिल्ला रहे यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बच्चे प्लीज मेरी मदद कर दे यार, इन कुत्तों से मुझे बचा ले नहीं तो यार ये मुझे काट लेंगे। अरे पर यार अंकल ये कुत्ते कुछ कर भी नहीं रहे यार आपको। अरे नहीं बच्चे मुझे कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज यार इनको तो भगा दे। अच्छा रुको यार अंकल मैं आपकी अभी मदद करता हूँ। अरे यार जाओ यहाँ से, चलो यार चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से। अरे बच्चे भगा दे यार प्लीज इनको यहाँ से। अरे यार अंकल ये तो जा ही नहीं रहे यार, बच्चे प्लीज कुछ कर यार। अच्छा रुको यार अंकल मैं इनको अपने गाड़ी से डरा के भगा देता हूँ। अरे हाँ बच्चे प्लीज जल्दी भगा दे यार इनको। अरे हाँ यार रुको यार मैं इनको भगाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ यार, चलो चलो निकलो यार यहाँ से। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गया क्या? छोड़ो यार कोई बात नहीं, पहले इन अंकल को बचाना होगा। अरे यार तू भी बेहोश हो जाए यार, चल फटाफट से, लगता है यार ये भी बेहोश हो गया। अरे बच्चे तूने भगा दिया क्या इन लोगों को? अरे हाँ यार अंकल मैंने भगा दिया इन लोगों को, चलो चलो आ जाओ यार फटाफट से नीचे। ओ गिर गया, लग गया यार कमर में। अरे यार अंकल कोई बात नहीं यार, आप तो ठीक हो ना अभी? अरे हाँ बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच यार तूने मेरी जान बचाई आज इन कुत्तों से। अरे हाँ यार अंकल जल्दी से यहाँ से भाग जाओ यार, नहीं तो कुत्ते फिर से उठ जाएंगे। और यार मेरी गाड़ी कहाँ चली गई यार, मुझे पता नहीं चल रहा। अरे बच्चे मेरी बात सुन ले। अरे यार कौन सी बात अंकल? बच्चे तुझे पता है मैं हूँ लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा जादूगर। क्या आप जादूगर हो? अरे हाँ बच्चे, और आज तूने मेरी जान बचाई है तो मैं भी तेरी कुछ मदद करना चाहता हूँ। क्या आप कौन सी मदद कर सकते हो मेरी? बच्चे तू मेरे से कुछ भी 3 विशेष मांग सकता है, मांग ले पड़ा से, मुझे जाना अपने घर पे। अच्छा रुको यार मुझे सोचने दो यार, क्या मांगू मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। एक काम करता फ्रैंकलिन भैया को मंगवा लूँ क्या? अरे हाँ यार ये तो बढ़िया प्लान लग रहा है यार। अंकल एक काम करो यार, मेरे फ्रैंकलिन भैया को पुलिस पकड़ के लेके गई है, उनको यार फटाफट से यहाँ पर लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है बच्चा, अभी तेरी विशेष पूरी हो जाएगी। ओम ब्रेम श्रीम इसका फ्रैंकलिन भैया आ जाए यहाँ पर। ग्रीम ग्रीम ग्रीम। अबे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अबे एक सेकंड भाई, अबे यार ये सब गोल गोल क्यों घूम रहा है भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अबे यार ये क्या हो रहा है, अबे ये कहाँ गया? अबे यार ये कहाँ गया, लग गई यार मुंह के ऊपर। और एक सेकंड भाई वो देखो सामने, वो तो सिंचन है भाई, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हेलो भाई सिंचन। यार भैया मुझे फ्रैंकलिन भैया की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? अरे बच्चे वो तेरे पीछे है क्या? फ्रैंकलिन भैया आगे? अरे हाँ भाई सिंचन मैं यहाँ पर आ गया, पर आया कैसे भाई? यार फ्रैंकलिन भैया इन भैया ने आपको यहाँ पर मंगवाया यार, भाई ऐसे कैसे हुआ यार? अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये जादूगर है यार, और यार मैंने आज इनकी मदद की थी यार, इन्होंने मुझे कहा कि यार मैं इनसे कोई भी 3 विशेष मांग सकता हूँ। तो यार मैंने पहली विश मांग ली कि यार फ्रैंकलिन भैया को यहाँ पर ला दो, तो यार इन्होंने आपको यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। अरे वाह भाई तुम तो यार बढ़िया जादूगर हो यार, थैंक यू भाई तुमने तो आज मेरी जान बचा ली। अरे हाँ यार अभी बाकी के 2 विशेष मांग लो। क्या और 2 विशेष बाकी है? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया मांग लो फटाफट से। अच्छा क्या मांगू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चलो भाई एक काम करता हूँ, अमीर बन जाता हूँ यार। भाई एक काम करो यार, मुझे बहुत ज्यादा अमीर बना दो, ताकि
भाई साहब मैं लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बिलियनर बन सकूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। तो हाँ भाई कर दो फटाफट से। तो लो मैं अभी करता हूँ ओम प्रेम श्रेम, इस बच्चे की प्रॉब्लम हो जाए स्क्रीम। अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ ये तो। अरे यार तुम्हारे हाथ में जो भी ग्लव्स है ना। अरे हाँ भाई मेरे हाथों में ग्लव्स आ गए यार, ये कहाँ से आ गए भाई। हाँ तो इन ग्लव्स से तुम किसी भी चीज को छू लो और यार बाद में बोल देना कि यहाँ पर जो भी आ जाए वो आ जाएगा। क्या सच्ची में? अरे हाँ बिल्कुल सच्ची में आ जाएगा। अच्छा रुको भाई मुझे अभी ट्राई करके देखने दो भाई, मैं किसको टच करूँ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे यार यहाँ पर देख गाड़ी है, रुको भाई इसको टच करता हूँ। ये क्या टच? और यार भाई यहाँ पर फटाफट से गोल्ड के लैम्बोर्गिनी आ जाए। अरे ये क्या भाई, ये तो सच्ची में आ गई यार। फेंकी पे देखा ये भैया का जादू। अरे हाँ भाई सिंचन ये तो एकदम बढ़िया जादू करे यार। आजा भाई सिंचन बैठ जा फटाफट से, तुम्हारी तीसरी विश पूरी नहीं करनी क्या? अरे नहीं भाई छोड़ यार, तीसरी विश किसको ही चाहिए भाई साहब, अब तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। अरे हाँ यार भैया थैंक यू सो मच यार, आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी। अरे हाँ बच्चे कोई बात नहीं, जाओ जाओ मजे करो। चलो भाई मजा आ गया यार सिंचन। यार अब तो मैं इन ग्लव से किसी भी चीज को टच करके भाई गोल्ड में डायमंड में भाई किसी भी चीज में चेंज कर सकता हूँ। अरे हाँ यार फेंकी भाई तो चलो यार बहुत सारा गोल्ड मंगवाते। ठीक है भाई सिंचन चल यार जाकर भाई बहुत सारा गोल्ड मंगवाते, बाद में भाई बहुत सारा डायमंड भी मंगवा लेंगे और यार भाई साहब बहुत सारे पैसे कमा लेंगे भाई, अब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसी बात पे जाओ गाइस तुम फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अभी तो गाइस यार मजा आने वाला है। पहले भाई नोबिता की गाड़ी को चेंज करूंगा गोल्ड में, रुको भाई इसको डायमंड में चेंज कर देते हैं। चलो भाई फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठ कर ही देखता हूँ। तो भाई यार ये गाड़ी फटाफट से डायमंड की बन जाए। रुको भाई अभी देखने दो एक सेकंड, भाई ये गाड़ी तो रिपेयर हो गई और यार ये गाड़ी तो भाई लिटरली डायमंड की बन गई यार। देखा फ्रैंकलिन भैया अब तो यार हम लोग बहुत सारे पैसे कमाने वाले। अरे हाँ भाई सिंचन तू देख यार अभी मैं क्या करता हूँ, पहले भाई इन सभी चीजों को टच कर देता हूँ, बाद में भाई तू देख यार कितना सारा गोल्ड एंड डायमंड मंगवा लूंगा। अरे यार फेंगी भाई जल्दी जल्दी टच करो यार। अरे हाँ भाई रुक जा, ये टायर बचे बस इनको टच कर दू। ये हो गए टच, अब देखना भाई सिंचन बस मुझे बाहर आने दे। अरे हाँ यार पर मुझे गिरा मत यार। अरे हाँ भाई आ जा फटाफट से। तो भाई यार अभी मैंने जिन भी चीजों को टच किया भाई फटाफट से सभी की सभी चीजें भाई गोल्ड के अंदर चेंज हो जाए। एक सेकंड गाइस यार ये देखो भाई कितना सारा गोल्ड आ गया यार, लिटरली भाई साहब हमारा घर के अंदर जाने का भाई रास्ता ही बंद हो गया यार। फेंकी भाई देखो यार कितना सारा गोल्ड। अरे हाँ भाई सिंचन मैं तो देख ही रहा हूँ भाई साहब, मजा आ गया यार। गाइस आप देख सकते भाई कितना सारा गोल्ड यार हमारे पास। एक काम करते गाइस अभी यार इस सारे के सारे गोल्ड को भाई फटाफट से जाकर बेच देते और यार बाद में भाई साहब एकदम बढ़िया वाला घर खरीद लेंगे। अरे हाँ यार फेंकी भाई आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलो गाइस अभी जाते फटाफट से एक ज्वेलरी शॉप में, जाकर भाई किसी इंसान को भाई ये सारा का सारा गोल्ड बेच देते और यार बाद में एक बहुत बड़ा घर खरीद लेंगे। तो गाइस यार आपको देखना हमारा वो बहुत बड़ा घर। तो जाओ गाइस फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस कमेंट के अंदर अपने फेवरेट गाड़ी का भी नाम बता देना, ताकि गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आपके फेवरेट गाड़ी को मैं खरीद लूँ। तो जाओ गाइस फटाफट से आपके फेवरेट गाड़ी का नाम कमेंट के अंदर लिख देना। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही सिंचन, और मैं मिलते हैं आपसे सीधा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।